दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में आपको बैक नेक डिजाइन बता रही हूँ। ये बैक पीस मैंने कट कर लिया है, ये 34 साइज का है। तो कटिंग के बाद ये इस तरह से आ रहा है। अभी आपको इसमें नेक डिजाइन बताती हूँ, उसके लिए मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी। अभी जो डिजाइन डाल रही है बोट नेक में आएगी, तो मैंने शोल्डर से 4 इंच लिया है और जो इसकी गहराई है 2.5 इंच तैयार में, 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मैंने 3 इंच लिया। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी जो इसकी गुलाई दूंगी वो 1.5 इंच की रहेगी। अभी जो मैं इसमें डिजाइन दूंगी उसके लिए मैं इसमें 1.5 इंच एक निशान लगा रही हूँ। अभी जो मैं शोल्डर से लेके 6 इंच तक एक पॉइंट दूंगी और जो नेक की गहराई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम ज़्यादा जितना भी चाहिए। तो मैं शोल्डर से इसको 11 इंच तक इसकी लंबाई ले रही हूँ नेक के। तो मैंने एक सिक्स शोल्डर से 6 इंच पर निशान लगाया और शोल्डर से 11 इंच पर निशान लगाया। तो अभी आपको उसकी शेप बताती हूँ। तो उसके लिए मैं इसमें इस तरह से यहाँ पर जो मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है, यहाँ से मैं इस तरह से इसमें निशान लगाऊंगी। तो जो हम नेक डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इस तरह से आएगी कुछ। जो 6 इंच पे लिया है तो मैंने इस तरह से इसमें गुलाई दी है और जो मैंने 11 इंच लिया है वहाँ पे हम इस तरह से इसमें गुलाई देंगे। तो ये इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने। तो सेम ड्रॉ पे इसको कट करेंगे। तो कटिंग के बाद ये इस तरह से आएगा। जैसे मैंने ये डिजाइन बैक साइड में डाल ली है, तो आप इसकी जो ओपनिंग रखेंगे वो फ्रंट साइड में रखनी है। जैसे आपका ब्लाउज आगे पीछे दोनों साइड डिजाइन आ रहे नेक, तो आप साइड में जिप लगा लें। जैसे मैंने ये नेक कट किया है तो इसका ये ड्राफ्ट निकला है, मैं सेम ड्राफ्ट रख के इसकी पट्टी कट करूंगी और उसी को रख के कैनवास में कट करूंगी। और जो बोट नेक है आप इसमें क्रॉस कट पट्टी जो हम कट करते हैं वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप कैनवास डाल के भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पट्टी कट कर ली है, सेम कैनवास कट करेंगे। ये मैं जो नेक शेप है उसके लिए पट्टी कट कर ली है, बोट नेक है उसके लिए पट्टी कट कर ली है और ये मैंने लाइनिंग कट किया है। सेम ड्राफ्ट रखे हुए ये ब्लाउज पीस भी कट कर, मैंने नेक डिजाइन कट की थी तो वो लाइनिंग क्लॉथ पर कट किया था, उसी तरह मैंने ब्लाउज पीस भी कट कर लिया है। और ब्लाउज पीस को भी मैंने कच्चा टांका मार के इसको सेट कर दिया है। नॉर्मल तरीके में जैसे प्लेट डालते हैं वैसे प्लेट डाल दिए, कमर भी फोल्ड कर दिए। तो अभी आपको बताती हूँ नेक तैयार कैसे करना है। उसके लिए मैंने सेम ड्राफ्ट रख के पट्टी जो कट की थी उसी ड्राफ्ट को रख के मैंने कैनवास कट कर लिया। अभी आपको स्टिच बताती हूँ इसकी। तो जो मैंने यहाँ से शेप दी है तो हम सेम शेप है इसको इस तरह से रखेंगे और सेम राउंड में हम स्टिचिंग डालेंगे।
जिस मैंने स्टिच डाल दी है तो जो पॉइंट है यहाँ पे हम कट दे देंगे और इसी तरह बीच बीच में भी। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद किनारे पे स्टिचिंग डालेंगे। जैसे मैंने ये नेक तैयार कर दिया, ऊपर स्टिचिंग डाल दी है, अभी जो बोट नेक है इसको भी हम तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ये 1 इंच के क्रॉस में पट्टी कट की थी और इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच करेंगे। अभी जो मैंने ज्वाइंट कर दिया जैसे एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ किनारे पे स्टिचिंग डालेंगे। जैसे मैंने ये बोट नेक भी तैयार कर लिया है तो आप जब इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर लें अंदर की साइड, और सेम जो हमने ये कैनवास लगाया है यहाँ पर भी आप तुरपाई कर लें। ये मैंने लेस ली है और आपको बताती हूँ इसको ऊपर हम जो डिजाइन कट की है सेम डिजाइन की शेप में हम इसको लगाएंगे। तो जो शेप है यहाँ पर हम कोई फोल्ड नहीं कर रहे हैं, सेम इसी तरह इसको लगाएंगे राउंड में, इस तरह घुमा लेंगे। जैसे मैंने 1 स्टिच तैयार कर दी है तो ये हमारा जो ओपन है यहाँ पे भी हम दूसरा स्टिचिंग डालते हैं। मैंने ये दूसरा सिलाई भी डाल दिया है। अभी जैसे ये उठा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से एक हाथ से कच्चा टाँका मार दें क्योंकि हमारा निडल नहीं लग रहा है यहाँ पर, और सेम हमारा ये नीचे है इसको भी इस तरह से आप टाइट हैंड से हेमिंग कर दें तो जैसे कि ये करेक्ट आ जाएगा टू साइड में। तो हमारा डिजाइन इस तरह से तैयार होगा। आप जैसे फ्रंट पीस तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप इसको नॉर्मल तरीके से शोल्डर ज्वाइंट कर लें, बाद में इसकी फिटिंग दे दें। सेम ब्लाउज का मैंने फ्रंट डिजाइन भी बनाया है।
तो आप चाहें तो मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं। इस ब्लाउज की फ्रंट नेक डिजाइन इस तरह से दिखेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।